और सहाबा कराम के हवाले देते हो, क्या तुमने देखा था कि उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारी थी, किस तरह कुर्बा के लिए और कुर्बानियां दी थी और बैतुल माल से किस तरह इंसाफ किया था। आज के पाकिस्तान के बैतुल माल से आवाम को इंसाफ दिया जा रहा है। आज चारों सूबों की आवाम खुश है। मैं यही अपील करूंगा और यही करारदाद, मेरी आवाज आप मीडिया और सहाफत के जरिए आप सुन रहे हैं पूरे मुल्क और कौम दुनिया, ये रोजाना रोजाना मजा नहीं करता। हम सूद पे कर्जे लें, हम मुल्क के अंदर दुनिया में फिरते रहे, जो हुकूमत भी आए डंडोरे पीटे, यूएस के पास जाएं, अमारात जाएं, सऊदी अरब जाएं, यूएनओ जाएं, और हम जकात और खैरात और उनसे सूद पे सदकात और अरबों डॉलर लाएं और चंद महीने बाद वो खत्म हो जाए करें। खुदारा कर्जे देना बंद कर दो, कर्जे लेना छोड़ दो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, सादगी की फायद सवारी इख्तियार करो। इस गुर्बत और सादगी में मजा है। इस्लाम सादगी का दीन है। पाकिस्तान एक सादा सा मुल्क था, लेकिन आप हुक्मरानों सियासतदानों लीडरों ने और इसके अंदर करप्शन करने वालों ने बिगाड़ दिया। आज पाकिस्तान की जो है चूल्हे हिल गई है। पाकिस्तान ऐसी एक कश्ती है जो डमाडोल की हालत में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा पर्दा रखेगा और पाकिस्तान तबाह नहीं होगा। पाकिस्तान दो लख नहीं होगा जो पहले दो लख हो गया। पाकिस्तान कायम और दायम दीन की बरकत और काल अल्लाह और काल रसूल फैलाने वाले उलमा और मसाजिद कानपा और दीनी मदारिस की वजह से कायम दायम रहेगा। लेकिन कुछ गैरत तुम भी कारखानेदारों हुक्मरानों और बड़े बड़े अरबपतियों जमींदारों नवाबों खवानीन और जागीरदारों और जमींदारों तुम भी अपने अंदर गैरत पैदा करो। बस करो ये और खाना पाकिस्तान कुछ गरीबों के लिए भी छोड़ दो और गरीबों के लिए भी कुछ ऐसे हालात पैदा करो कि कम अज़ कम उनके मुँह से रोटी का नवाला तो ना छीन सको। अगर आप लोगों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर महंगाई के जिन को काबू नहीं किया, मैं चारों सूबों और मरकजी हुकूमत से कहता हूँ, और आप लोगों ने आवाम को सस्ती रोटी और सस्ता आटा, सस्ता गंदम मुहैया ना किया, सस्ता घी और सस्ती चीनी, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना सिमी लख शहीद की जुमात जो है पूरे मुल्क और कौम में निकलेगी और उसकी तमाम यूनिटें तमाम बाजारों और चौकों और प्रेस क्लबों में पुरामन मुजाहरे करेंगे और आपके साथ पूरी तरह से सियासतदानों और लीडरों और हुक्मरानों और जो उनके ऊपर तशद्दुद करे उनका हम बिल्कुल पत्थर का जवाब, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अगर आप लोग आवाम को मोहब्बत का हाथ देंगे और आवाम पर रहम करेंगे तो फिर हम भी पुरामन रहेंगे। वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद वाली साहबी।